हेलो एवरीवन, तो क्या आप भी ऐसे ही बालों में शाइन और चमक चाहते हैं, तो वो भी बिना केमिकल्स के? तो चलिए मैं आज आपको घर पर ही बताती हूँ कि शाइन और बालों में चमक, ग्लास जैसी चमक कैसे लाए। तो नॉर्मली पहले हमें क्या करना है, एक कटोरी लेनी है। कटोरी में 2 चम्मच हमें शुगर ऐड कर देनी है। शुगर ऐड करने के बाद हम हेयर सीरम लेंगे, हेयर सीरम को इसमें ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद हम लेंगे एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल इसमें ऐड करने के बाद फिर हम कौन सा भी नॉर्मल शैम्पू यहाँ पे यूज़ करेंगे। आप कौन सा भी यह शैम्पू यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये सब इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से मिलाना है। देखिए, ये इस तरीके से हमें मिलाना है जब तक कि ये बैटर अच्छी तरीके से मेल्ट ना हो। देखिए, इस तरीके से मिलाना है जब तक कि ये क्रीमी टेक्सचर ना आ जाए, इसमें एकदम स्मूथ टेक्सचर ना आ जाए। देखिए, मैंने हिलाया है तो ये एकदम स्मूथ टेक्सचर आ गया है। देखिए, ये एक रेमेडी हमारी अभी बालों को लगाने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। इस तरीके से क्रीमी टेक्सचर आना चाहिए हमारे बालों को लगाने के लिए, जिससे कि हमारे बाल शाइन और सिल्की लगे। तो अभी मैं आपको यहाँ पे बालों पर लगाकर भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसको यूज़ करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, बालों को इस तरीके से हल्का हल्का सा ऊपर ऊपर की साइड से लगा लेना है। फिर उसके बाद में हम पूरा बालों को इसके लगा लेंगे इस तरीके से। देखिए, मैंने यहाँ पे इस तरीके से पूरे बालों को लगा लिया है। फिर उसको हम आधे घंटे के लिए रखेंगे और छोड़ देंगे इस तरीके से। आधे घंटे बाद हमें इसको वॉश करना है। देखिए, यहाँ पे मैंने आधे घंटे बाद बालों को वॉश कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिज़ल्ट, बालों में कितना स्मूथ और शाइन आ गई है बालों में। ये इसी तरीके से आप घर पर ही बिना कोई केमिकल्स के आप घर पर ही इसे यूज़ कर सकते हैं और आप इसको लगा सकते हैं। किस तरीके से लगाना है और किस तरीके से बालों को वॉश करना है, ये सब मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो इस तरीके से आप अपने बालों में ग्लास जैसे शाइन भी ला सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जिस किसी ने भी अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। वॉच टू माई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।